के कायम मकाम ह्यूमैनिटेरियन व रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर क्रिस के ने सहाफियों को आज ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पाकिस्तान में सैलाब जदगान की मदद के हवाले से हम अपने पैगाम तो दुनिया तक पहुंचाने के लिए मीडिया पर बहुत इनहसार कर रहे हैं। दरपेश चैलेंजेस और जरूरियात ने इस मामले को पाकिस्तानी मीडिया की स्पॉट हाइट पर रखा है। हमने 30 अगस्त को एक फौरी फ्लैश अपील लॉन्च की थी। ये एक मॉडेस्ट सतह की अपील थी क्योंकि उस वक्त तक तबाही, उसके असरात और मुतासरा इलाके की तफसीलात बहुत कम मौजूद थी। सैलाब से होने वाली तबाही का असर देर पा रहेगा। हमने 160 मिलियन डॉलर में से अब तक 81.6 मिलियन डॉलर की अपील हमने 160 मिलियन डॉलर में से अब 816 मिलियन डॉलर अपील लॉन्च करने का फैसला किया है। इस अपील में सेहत, शेल्टर, पानी, सैनिटेशन, ज़राअत और तालीम के शोबों पर तवज्जो दी गई है। हम इस वक्त इंसानी बहरान के मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इसमें सेहत का बहुत बड़ा बहरान पैदा होने को है। पानी खड़ा है, सैनिटेशन की सहूलियात नहीं है, मच्छरों की बहुतात है। इस वक्त सूरत हाल हेल्थ एमरजेंसी की जानब जा रही है। इस वक्त सेहत का मामला एक फौरी दरपेश चैलेंज है। शेल्टर भी मसावी तौर पर अहम है। अभी भी हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हमें मुनासिब खुराक और अद्वियात को बरकरार रखने के लिए भी चैलेंज का सामना है। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान की इमदाद को आगे बढ़ेंगे। ये हम सब की इज्तमाई कोशिश है। बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 25,000 फी कस पहुंचाना एक काबिले तारीफ अमल है। इब्तदाई कोशिशों में मसल्ला अफवाज का किरदार भी काबिले कदर रहा। हमें देखना होगा कि रबी के मौसम में कितना पानी वापस जाता है कि बुआई शुरू की जा सके। सैलाब से कबल भी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के शिकार अफराद की बड़ी तादाद अहमियत की हामिल है। उनका कहना था कि 3.5 मिलियन अफराद सैलाब से कबल भी खुराक की कमी का शिकार थे। हम 40 लाख अफराद को खुराक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें बहुत से अफराद संजीदा सूरत हाल में गिरे हुए हैं। सब शफाफियत के मामले से वाकफ हैं। मालूमात की शफाफियत करप्शन को दूर कर सकती है। अकवामे मुत्तहिदा अपनी साख के हवाले से काफी हसास है। 2010 में भी हमने सैलाब से लोगों को मरते देखा। बाद अज तबाही जायजा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये रिपोर्ट इस माह के वस्त तक तैयार हो जाएगी। हम तबाही की मकदार को समझने के लिए इसका सुनामी, सोमालिया, यूक्रेन जंग और दीगर अफात के साथ मुवाजना कर सकते हैं। ताज़ा फ्लैश अपील सबक फ्लैश अपील पर नजर सानी है। हसब सबक अपील अब 160 मिलियन डॉलर की बजाय 816 मिलियन डॉलर हो गई है। इस तरह अब हमें 85 मिलियन डॉलर वसूलियाँ भी नई अपील के जवाब में आने वाली रकूम में जमा हो जाएंगी। उनका कहना था कि अभी तक गुज़श्ता 160 मिलियन डॉलर के जवाब में तकरीबन 85 मिलियन डॉलर इमदाद पहुंची है। इस तबाही का दीगर बहरानों से मुकाबला पेचीदा होगा। बाज़ तरक्कीयाफ्ता ममालिक में बेहतर तैयारी बड़े बहरानों के नुकसान से बचाती है। इसी तरह छोटे ममालिक में कम सलाहियत एक छोटी आफत से बड़ी तबाही को जन्म दे देती है। इसलिए हमें सैलाबों का दीगर आफात और जंगों से मुवाजना करने में पेचीदगी का सामना हो सकता है। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल इस्लामाबाद।